फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने नथिंग फोन वन एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप अपने ब्लूटूथ से ना डेटा ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको है ना, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए एक फ़ोटो को ट्रांसफ़र करके दिखाऊँगा ब्लूटूथ के ज़रिए। तो आप चाहे तो फोटो, वीडियो, ऑडियो और भी बहुत सी चीज़ें जो है ट्रांसफ़र कर पाएंगे, ठीक है ना। तो मैं एग्जाम्पल के लिए फ़ोटो यहाँ पर एक सेंड करके दिखाऊँगा ब्लूटूथ से। तो देखिए, यहाँ पर जो है ना, मैं इसे अपने फ़ोन की गैलरी को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए, गैलरी में जो है मैं एक ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये फ़ोटो उंगली से दबा के रखना है, दबा के रखेंगे तो राइट टिक लग जाएगा। अब इसके बाद आपको नीचे सेंड का ये ऑप्शन है, सेंड पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखिए, आपको इस तरीके से पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो भी सामने वाले पर्सन का ब्लूटूथ होगा ना, ब्लूटूथ डिवाइस होगा, उसे आपको पहले चालू करवा लेना है या कर लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको इसे ब्लूटूथ के ऑप्शन पर टैप करना है। अब यहाँ पर इसे आपको जस्ट वन पे सेलेक्ट कर देना है। तो इस तरीके से आपके फ़ोन में ना सर्च होने लग जाएगा सामने वाले ब्लूटूथ का नाम, ठीक है। यहाँ पे जब आपको सामने वाले ब्लूटूथ का जो डिवाइस का नाम यहाँ पे आपको दिखाई देगा ना, उसे आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। देखिए, जब सामने वाले पर्सन का ब्लूटूथ का नाम यहाँ पे शो हो जाता है ना, उसे सेलेक्ट कर लेना है। अब देखिए, इस तरीके से एक फाइल जो है सेंडिंग में जाएगी और सामने वाले पर्सन के पास ना एक पेज जाएगा एक्सेप्ट का, ठीक है। तो सामने वाले ब्लूटूथ में जो है ना एक्सेप्ट का पेज जो है उसे एक्सेप्ट सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप नोटिफिकेशन पैनल में देखेंगे आपकी जो फाइल है, यानी कि जो आपका डेटा है, वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जैसे ही 100% ट्रांसफ़र हो जाएगा तो वो पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन के ब्लूटूथ के जरिए डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है।